Hi everyone, my friends, welcome to my channel. I hope you all are doing well. तो आज की रेसिपी तो जैसे कि देखा ही है आपने, मोमोज की रेसिपी है. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैंने प्याज, मिर्च और पत्ता गोभी इन तीनों को कट कर लिया और फिर सबको मैंने मिक्स कर दिया. और मैंने ये तीन ही चीज़ें ली हैं. आप चाहें तो इसमें और भी वेजिटेबल ले सकते हैं, जैसे कि कैप्सिकम हुई और भी जो भी आपको अच्छी लगे. तो फिर मतलब ऐसे ही जो मोमोज में एटलीस्ट डलती हो वही वाली. फिर इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया मैंने और थोड़ी सी एक चम्मच शुगर ऐड करी और ये नमक ऐड किया और फिर लाल मिर्च पाउडर ऐड किया. अच्छे से फिर इसको मैंने मिक्स कर लिया और थोड़ी देर के लिए रख दिया, कम से कम 10-15 मिनट के लिए. और फिर मैंने एक कपड़ा लिया और फिर सारी जो भी मिक्स किया था हमने सब्जियों को, वो ऐसे ही कपड़े पे रख दिया. और फिर इसका जो पानी निकालना है ना, इसलिए हमें कपड़ा यूज़ करना है. देखो कितना सारा मतलब इस सब्जियों का पानी निकल रहा है. तो फिर बस ऐसे ही सारा पानी इसका निकाल लें, जो भी वाटर है, एक्सेस वाटर इसका जो भी है. तो देखो ऐसे अलग अलग कर लें आप तो एकदम सूखा सूखा मिक्सचर हो जाएगा. और फिर मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करा. अब मोमोज का जो आटा होता है उसकी तैयारी करते हैं. तो इसमें मैंने नमक और पानी ऐड किया मैदे में. और फिर मैं इसको गूंद लूँगी और थोड़ी देर रख दूँगी एटलीस्ट 15 मिनट के लिए. और फिर मैंने क्या किया, बड़ी सी रोटी बना दी और इसको फिर कट कर लिया. तो ऐसे ही मैंने एक रोटी में से चार ऐसे छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए. और सारे ऐसे बन जाने के बाद फिर मैंने इसमें फिलिंग करी है. तो मैंने थोड़ी थोड़ी चम्मच की फिलिंग करी है और इसके बाद मैं थोड़ा सा पानी लगा रही हूँ साइड में ताकि अच्छे से चिपक जाए हम जब मोमोज बनाएं. तो अब देखो मैं इसे किसी भी शेप में फोल्ड कर रही हूँ, कोई शेप का वो नहीं है, आप कैसी भी शेप में फोल्ड कर सकते हैं इसे. तो बस मैं ऐसे ही नॉर्मल शेप में फोल्ड कर रही हूँ. तो आप भी जैसे आपकी मर्ज़ी हो उस शेप में बस फोल्ड कर लें. तो देखो एक फोल्ड कर लिया, मैं दूसरा फोल्ड करके बता रही हूँ. अब मैंने सारे मोमोज है ना अलग अलग शेप में बनाए थे, मतलब किसी को भी एक जैसा शेप नहीं दिया था. तो देखो ये इस तरह से मैंने ये बनाया. और देखो ये मेरे अलग अलग टाइप्स के मोमोज. और फिर मैंने देखो पानी चढ़ा दिया गर्म होने के लिए. फिर मैंने इसमें छलनी रख दी इसके ऊपर ही और फिर मैं इसको बस ऑयल से इंक्रीज कर दूँगी. और फिर बस मोमोज आपको इस पे रख देने हैं. तो मैंने मोमोज रख कर और फिर इसको कवर किया था थोड़ी देर के लिए, मतलब एटलीस्ट 10 मिनट के लिए मैंने कवर किया था. फिर मैंने चेक किया कि मतलब बन गए या नहीं बने. फिर मैंने सोचा चलो थोड़ी 2-3 मिनट और इसको बन जाने देते हैं. फिर अब मैंने चटनी की प्रिपरेशन करनी है तो इसके लिए मैंने उबले हुए टमाटर और मिर्चियों को उबाल लिया था. और इसमें मैं चीनी ऐड कर रही हूँ और फिर मैं इसको बस ग्राइंड कर लूँगी मिक्सर में. और मैंने ऐसे ग्राइंड कर लिया, फिर मैंने ऑयल डाला थोड़ा सा, एक छोटा चम्मच, और इसमें लाल मिर्च डाली मैंने आधा चम्मच और वो जो पेस्ट था मैंने वो डाल दिया. और मैंने मिर्ची के जो बीज थे ना उबालने में वो निकाल दिए थे. अभी थोड़ा सा मैंने सॉल्ट डाल दिया इसमें, नमक. और बस चटनी बन के रेडी है और मोमोज भी बन के रेडी है, दोनों रेडी है. बस इसे अब गरम गरम खाना है. मोमोज ठंडे अच्छे नहीं लगते, इसे गरम गरम ही खाना. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. थैंक यू सो मच.